एग्जाम कैसा जा रहा है आप लोग का? एग्जाम जा रहा है, जाते जाते बहुत दूर चले गया, लेकिन मैट्रिक बाद अब क्या करेंगे? शादी करना चाहेंगे। बहुत हार्ड सवाल पूछा था ना, 12 क्लास का सवाल दे दिया था। मैट्रिक बाद आलू प्याज भिंडी बेचेंगे। एग्जाम क्यों देने आए? एग्जाम में मार पड़ेंगे। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे। मैं गुफरान रॉक स्टार और आपका स्वागत करते हैं एक छोटा सा यूट्यूब चैनल गुफरान रॉक स्टार व्लॉग्स में। जैसा कि आज हम आए हुए हैं जवाहरलाल नेहरू हाई स्कूल गुलाबबाग, जो कि यहाँ पे मैट्रिक परीक्षा हो रही थी, और तो हम सोचे क्यों ना कि यहाँ के बच्चों से पूछा जाए कि किस तरह से एग्ज़ाम चल रहा है और मैट्रिक के बाद क्या करेंगे। तो चलिए, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए एक स्टूडेंट से जानते हैं, एग्ज़ाम हो गया आपका? नहीं, अभी होने वाला है। तो मैट्रिक बाद आप क्या करेंगे? शादी करना चाहेंगे। शादी करेंगे आगे 12th में? नाम या मतलब इंटर नहीं करेंगे? इंटर करेंगे लेकिन शादी भी करेंगे। आपका नाम? मोहम्मद अजीमुद्दीन। क्या करने हैं यहाँ पे? एग्ज़ाम देने। फर्स्ट सिटिंग है, सेकंड सिटिंग? सेकंड सिटिंग। एग्ज़ाम हो गया आप लोग का? नहीं हुआ है अभी। कब से होगा एग्ज़ाम? कब से होगा नहीं, पांच एग्ज़ाम हो गया, छठा एग्ज़ाम आज हिंदी का एग्ज़ाम है। टाइम क्या है टाइम आप लोग का? 1:45। थैंक यू। आपका नाम क्या है? MD जमीर। मैट्रिक के बाद आप क्या करेंगे? इंटर करना चाहते हैं। अभी शादी उदी नहीं करना है, पढ़ाई का चांसेस रखे हैं। क्या लगता है कि आप ही टॉप करेंगे मैट्रिक एग्जाम में? ऐसा कुछ नहीं, अभी बस फास्ट करना है। तो चलिए उसके बाद फिर किसी और स्टूडेंट से जानते हैं। अभी भीड़ बहुत बहुत तेज लगी है, बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आपका नाम क्या है? MD अदनान आलम है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम गांव से रहते हैं सर, गांव में। यहाँ क्या करने आए? ये एग्ज़ाम देने आया मैट्रिक का। कितना एग्ज़ाम हो गया आप लोगों का? जी आज लास्ट पेपर है हिंदी का। एग्ज़ाम कैसा जा रहा है आप लोग का? एग्ज़ाम जा रहा है, जाते जाते बहुत दूर चले गया, लेकिन सोशल साइंस का एग्ज़ाम बहुत ही घटिया गया। घटिया क्यों गया? बहुत हार्ड सवाल पूछा था ना, 12 क्लास का सवाल दे दिया था। बिहार बोर्ड कहिए कि बच्चों को कम सवाल दे। हम लोग क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से कहना चाहेंगे कि सोशल साइंस का बायकॉट होना चाहिए। चलिए मेन गेट के पे गेट पे चलते हैं, वहाँ के कुछ स्टूडेंट से भी जानते हैं कि किस तरह से एग्जाम उग्जाम हो रहा है, नहीं हो रहा है। और अभी कुछ ही समय बाकी है, बस मात्र 10 मिनट बाकी है, उसके बाद अंदर ले लेगा सबको। तो चलिए क्या करने आए हैं? यहाँ संस्कृत का एग्जाम लिखने आए हैं। संस्कृत का एग्जाम है? तैयारी है ना बढ़िया से? कोई तैयारी नहीं किया भैया, ऐसे ही आए हैं। तो क्या कीजिएगा? बैठ के लिखेंगे और क्या करेंगे, जो समझ में आएगा भैया लिखेंगे। मैट्रिक बाद क्या करिएगा? मैट्रिक बाद आलू प्याज भिंडी बेचेंगे। डाकू बनेंगे, डाकू बैंक लूटेंगे, डाकू बनेंगे। तो चलिए उसके बाद चलते हैं मेन गेट की तरफ, और आप लोग को वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और बिना स्किप किए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। देखते हैं आगे बच्चे से क्या हो रहे, नहीं हो रहे। भैया आपका नाम क्या? भैया नहीं हो पाएगा। आपका नाम क्या है? चंदन कुमार यादव। क्या करने आए हैं यहाँ पे? एग्जाम देने आए हैं। एग्जाम क्यों देने आए हैं? देखिए हल्ला भी कितना हो रहा है। आज कौन सा पेपर है? आज संस्कृत है। तैयारी क्या लिखेंगे पता है? हैरान का दिन बाकी राज करा तारे। कुछ और स्टूडेंट से जानते हैं, समय हमारे पास बहुत ही कम है। आपका नाम क्या भैया? मोहम्मद नौशाद। मोहम्मद नौशाद, कौन सा सब्जेक्ट है आज आपका? आज संस्कृत। हिंदी आपका? हिंदी। तो आप लोग का SST एग्जाम कैसा गया था? SST बेकार गया था, सुबह के मुकाबले आज शाम का क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड था। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करेंगे उससे? कि दोनों अन्याय हुआ हम लोग के साथ, दोनों तरफ बराबर क्वेश्चन देना था। सुबह आसान दे दिया और शाम के टाइम हार्ड क्वेश्चन दे दिया हम लोग का। और फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन कैसा पूछा गया था? फर्स्ट सिटिंग का आसान ही था, सेकेंड टाइम में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, तो चलिए और बस और एक दो बच्चा से जान लेते हैं कुछ के बारे में, उसके बाद फिर वीडियो के यहीं पर समाप्त करेंगे। क्योंकि सर कैमरामैन थोड़ा पीछे का भी नज़ारा दिखा दीजिए, हम चाहेंगे कि आप पीछे का नज़ारा दिखा दीजिए, कितना भीड़ है यहाँ पे। तो चलिए जैसे कि हल्ला ही बहुत हो रहा है, तो चलिए आपका नाम क्या भैया? मासूम राही। मासूम राही, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमौर से। कितना दूर चल के आए हैं एग्जाम देने के लिए? 40 किलोमीटर दूर आए हैं। तैयारी है ना पूरा? जी। क्या लगता है टॉप करेंगे या नहीं? ये तो हम नहीं बता सकते हैं।
आपका नाम क्या है भैया? शाहनवाज है। क्या करने आए? यहाँ पे एग्जाम देने और क्या करने आए? किस चीज़ का एग्जाम है? आज तो हिंदी है। मतलब मैट्रिक का है या इंटर का है? मैट्रिक का है। तो मैट्रिक बाद आप क्या करिए? हम तो एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं। शादी ब्याह का ये है कि नहीं? शादी ब्याह अभी 10 साल बाद करेंगे। अभी हमको एक यूट्यूबर मिले हैं, तो चलिए उससे हम बात करते हैं कि उसका नाम क्या है और उसका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है। जी भैया, आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम रवि कुमार है, मेरा चैनल का नाम आर्य शुभम ब्लॉग है। और हमारे भी जितने भी दर्शक हैं, हमारे भाई गुफरान रॉकस्टार को सब्सक्राइब करो। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हम लोग एक साथ ही वीडियो बनाते हैं। आप लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, धन्यवाद। तो इस भाई का यूट्यूब चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद।